हेलो गाइस, स्वागत करते हैं किट्टू ब्लॉग्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों रात का टाइम हो गया है, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ और इसके बाद हम लेते हैं सोनाक्षी के रूम में। तो क्योंकि उस रूम में भौरा भले हट गया है लेकिन कूलर में पानी डाले ना, सारा पानी गिर रहा है, तो इसकी वजह से मैं नहीं सो रही हूँ। कहाँ सोएंगे बताओ, कहाँ सोएंगे? तो मैं ऋषभ के रूम में सोती हूँ लेकिन ऋषभ को बहुत प्रॉब्लम होता है, बोलता है कि वो अपने रूम में नहीं सोती हो, क्यों पता है ना? पर अपनी मम्मी से बोल रही है अपने रूम में क्यों नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही है। अभी तो सोनाक्षी सोई है और इसको सोएंगे सोनाक्षी ऋषभ सोनाक्षी अभी नीचे हम लोग सोएंगे, हम और ये सोएंगे। तो अभी इधर फ्रिज रखा गया है तो जगह नहीं है, थोड़ा सा इधर जगह है तो हम लोग उसे मैनेज करके सो जा रहे हैं। मिलते हैं सुबह में और सब खूब मस्ती कर रहे हैं रात को, है ना रिजर्व? लेकिन रिजर्व भी खूब मार खाया है। वो वाला भी बता दे, वो जो करते हो ना खुदता है बहुत ज्यादा, उसी का हम लोग भी सीख लिए हैं, हम लोग भी सीख लिए उसी का ना ऋषभ। तो गाइस नहा, हम सुबह का टाइम हो गया है और सब सेटअप, वंदना जी का रूम चेंज हो गया, फ्रिज वहां रखा था वहां से यहाँ आ गया क्योंकि रात में सोने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हम दोनों वहां पे नहीं सो पा रहे थे तो फिर मैं बोली कि इधर बिछा के सो जाएंगे जमीन पे। तो यहाँ से फ्रिज यहाँ तक ठीक है, तो यहाँ का फ्रिज उठा करके यहाँ पे रख दिए हैं। अब मैं इसी रूम में रहती हूँ, ज्यादा उस रूम में जाती नहीं हूँ क्योंकि हमारा कूलर का पानी भी टप 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 चू रहा है, तो इसकी वजह से मैं उस रूम में ज्यादा नहीं रह पा रही हूँ। और मैंने नहा धो लिया है, मुझे सुबह नहाना बहुत अच्छा लगता है, लेट में नहाना। मेरे घर में शादी पड़ने वाला है, अब ये किसका पड़ने वाला है ये नहीं बताएंगे, जब एकदम कम्प्लीट हो जाएगा तब बताएंगे। अब ब्लॉग बहुत अच्छा अच्छा आएगा, धमाल मचने वाला है, धमाल। तो यही बताएंगे किसका शादी पड़ने वाला है। तो पानी भी आ गया है तो अब चल रहे हैं, जो कुछ भी पेंडिंग था झाड़ू मार दिए थे, पोछा नहीं लगाए थे पानी के न रहने की वजह से। मैं बोली पानी आ जाएगा तो फिर पोछा ओछा लगाएंगे और हम लोग खाना पीना भी नहीं बनाएंगे क्योंकि पानी नहीं था, तो इसकी वजह से नहीं बनाए थे। पानी न रहने की वजह से घर में बहुत सारी समस्याएं जाती हैं, बहुत ज़्यादा आता है। तो चलते हैं, देखते हैं जो काम पेंडिंग है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद तो बैठना उठना तो लगा ही रहता है। ठीक है, ब्लॉग में बने रहिएगा। तो गाइस पानी आ जाने पर देखिए कितना ज़्यादा मेहनत कर रही है वंदना दी, पूरा पानी भर रही हैं और ये भी मतलब कि भी बच्चे लोग नहीं नहाए थे, सोनाक्षी तो स्कूल गई है, ऋषभ भी उसी में हेल्प कर, ऋषभ मत चलो वहाँ पे क्योंकि ना बहुत ज्यादा फिसलन है, पता नहीं कैसे ऊपर स्तर करके गया है, कितना ज्यादा फिसलन हो रहा है। ऊपर का के धोए जिन उमर क्यों नहीं के हिला था उमर, ये बड़ी बड़ी समस्या है, ये साला गिर जाता है बार बार इसमें से। कैसे ये वाला घर आप लोग को कैसा लग रहा है ये बताइए कमेंट में, एक मिनट रुके रही, ये कैसा लग रहा है मैं ये पूछ रही थी आप लोगों से। काफी सुंदर लग रहा है ना, हम लोग के घर के सामने छत पे खड़े होकर वीडियो बनाओ भी बहुत अच्छा लुक आता है। 5-6 सारा बिक गया है, बस टॉप फ्लोर नहीं बिका है और ये फर्स्ट वाला नहीं बिका है ना, बाकी सब लोग देखो AC भी सब लग गया है जी, सेकेंड में भी तो कोई नहीं रह रहा है, काम चल रहा है, सेकेंड वाले में भी कोई नहीं रह रहा है, लेकिन काम चल रहा है लुक अच्छा, अंदर बढ़िया होना नीचे वालों का। अरे फर्स्ट फ्लोर 28 लाख का है, 28 लाख का थोड़ा महंगा दे रहा है क्योंकि पार्किंग हुई, जैसे 20 लाख का दे तो सही है, 20 लाख के लिए सही है, 20 लाख का दे रहे होगी ले ले, वही तो सस्ता नहीं है, ऊपर वाला दे रहे हैं 20 लाख का ना, ऊपर कौन जाएगा। लेकिन ऊपर एक फायदा रहता है ना, जा करके छत पे तुम वीडियो बना सकते हो, तुमको ज्यादा ठंडी के लिए आराम है, गर्मी के लिए तो नहीं, लेकिन ऊपर वाला फ्लोर कभी टूट सकते हैं, अलाउ नहीं है ना दिल्ली के अंदर 5 मंजिला, और बनवाए हैं तो ऐसा थोड़ी ना कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि तोड़वा देगा। अच्छा लग रहा है, इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छा है, पार्लर भी खुल गया, ब्यूटी पार्लर है।
ए क्या बनाए बताओ तब? क्या खाए पापा? क्या खाओगे? दाल चावल। दाल चावल रोज बन गया, नहीं अच्छा लग रहा है दाल चावल डेली। सब्जी रोटी बनाएगा। सब किस चीज का सब्जी खाएंगे ये लोग? आलू भुजिया। पागल हो क्या? सुबह सुबह भुजिया रोटी खाएंगे? तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है खाना खाने का, पता नहीं क्यों हमको ना, मेरे को लग रहा है कुछ हो गया है वंदना दी। एक तो लूज मोशन और भूख भी नहीं लग रहा है, मुझे भूत पकड़ लिया है। कुछ भी बताओ, हम क्या बताएं बच्चे। मैगी खाओगे? मैगी से पेट भरेगा? अभी सोनाक्षी भी तो आएगी। मैं नहीं खाऊंगी, हम बता दे रहे क्योंकि मेरा पेट नहीं सही है, इसलिए हम रात को भी नहीं खाए थे। हम फ्रूट्स खा लेंगे। बताओ फटाफट, तब बनाए हम चले, फिर हमको वीडियो भी बनाना है थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे। क्या खा रहे हो बाबू? मैगी। तुम लोग बन जाए चलते फिरते में, नहा दे लो तब खा बना। तुम क्या खाओगी? प्याज वाला पराठा खाओगी? हाँ प्याज का पराठा बना दो। सबसे प्याज का पराठा खाओगे? हाँ हाँ तो गाइस यहाँ पे हाथ देख सकते हैं, खाना बनाने का टाइम हो गया था। जैसा कि मैंने वंदना दी से पूछा क्या बनेगा, तो उन्होंने बताया कि, और ये सब बोला कि मैं प्याज का पराठा खाऊंगा। मैंने आटा ले लिया और आटा को मैं चाल रही थी, और चालने के बाद चाल करके अच्छे से उसमें मैं प्याज काट रही थी। प्याज बहुत ही छोटा छोटा बारीकी से मैं काट रही थी, काफ़ी टाइम लगता है प्याज काटने में, 2-3 प्याज। इसके बाद मैंने नमक लिया और अजवाइन नहीं था तो मैंने जीरा डाल दिया उसमें। फिर मैं आटा गूँथ रही हूँ, और ये जो मेरा ये होता है ना पत्थर, जो इस पर मैं बनाती हूँ, वो बहुत काफ़ी ऊंचा है, तो हमारे ससुराल में कैसा नीचे है तो बन जाता है। लेकिन इस प्याज के पराठे के लिए आटा मैंने गूँथ लिया है, और वंदना दी पूरा इधर नीचे साफ साफ कर रही है, कहती है पता नहीं कहाँ से इतना धूल आ जाता है, और सारा पानी गिरा करके ये ताज़ा पानी भर रही है। हम नहीं गिराएंगे ससुराल में, मेरी सासू माँ नहीं गिराएंगे जी, मेहनत ज्यादा लग रहा है। वही तो कह रहे हैं अभी, जैसे काम और लैट्रिन बाथरूम के लिए वो सही है पानी, फालतू मत गिराओ, जरूरी है। पानी आ रहा है तुरंत चला जाएगा तब नहीं जाएगा, और इसी मेरी सब भी ऊपर सारा डब्बा फैल गया है। देखो मेरा पैर धुला जा रहा है इससे, पूरा पानी पिछा कर नहीं करना दी थे, तो महीना से भरा रहता है हमारा रूम इतना छोटा हम लोगों के लिए हो जा रहा है कि सारा सामान इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं, इधर से उधर रख रहे हैं कि जहाँ जगह हो जा रहा है वहाँ पे रख लेगी। जो ऊपर है ऊपर भी सारा भरा हुआ है पूरा, देखे ना आप, फ्रिज इधर से उधर हो गया तो सामान इधर उधर शिफ्ट हो जा रहा है। जो इसमें थोड़ा बहुत डाल दो उसमें हल्के फैला हुआ है, तो ये तो कर रहे हैं। तो हम चल रहे हैं पराठा वाले गरम गरम, ये सब तुम सब जाओ नहा लो ना, पानी है भरे दा। अब मैं यहाँ पे पराठा बनाना स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं छोटा 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 लोई काट लेती हूँ, और प्याज का पराठा ऋषभ और सोनाक्षी को काफ़ी पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसी के बहाने में देखो अभी भी मैं भले ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, ओवरवाइज कर रही हूँ, लेकिन ऋषभ बगल में बैठ कर मेरे पराठा ही खा रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी बना दिया था कि काफ़ी देर तक बच्चों को भूख लगता है, दिन बड़ा होता है तो लोग खा लेंगे। तो गाइस ऐसे एक एक करके सारा पराठा मैं सेक लूँगी, अब कितना बड़ा पराठा दिखाऊँगी ये मैंने सीख लिया है, बाकी सारा बनाऊंगी। और इधर वंदना दी रिसा थोड़ा छिप जाओ, रिसा थोड़ा उधर चले जाओ, कोने हो जाओ कोने, उधर हो जाओ उधर। और इधर वंदना दी गेहूं भी साफ कर रही है, जो उनको कोटा पे मिलता है उनके नाम से, तो इनका राशन बना है, मेरा राशन कार्ड नहीं बना है, तो इनको तो गेहूं मिलता। अभी आटा हम लोग बाहर से ना खरीद के ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और प्याज का पराठा बहुत सारे लोगों को पसंद होगा, तो ये प्याज में आटे में मैंने क्या डाला था, क्या बोलते हैं, प्याज डाला है, और अजवाइन नहीं था तो अजवाइन की जगह मैंने जीरा डाल दिया, जीरा नमक मिर्चा और थोड़ा सा रिफाइन डालकर गूंथ लेते हैं। उसके बाद मैं बेल करके सारा पराठा बना लूंगी, बने रहिएगा ब्लॉग में। तो गाइस आप देख रहे थे वंदना दी वहां पे कर रही थी क्या, गेहूं कर रही थी, और मेरे पूरा मेरे बेड के नीचे पानी चला गया था, और सारा चीज़ मैं देखी यहाँ बाहर निकाल के, बाकी सब काच कूच के पूरा जीना साफ किए नीचे, लेकिन फिर मुझे सब डबल काम करना पड़ रहा है, पूरा सब पोछ पाछ दिया, लेकिन तब पर भी दिया जलाने से हमारा रूम बहुत काला हो गया है।
तो हम सारा पर्दा उर्दा निकाल करके सब कुछ अब धुल रहे हैं और ये सब साफ सफाई कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गस्ती आ गया है। रूम देखने मेरा कैसा लग रहा है, सब मेरे सब साड़ी के अंदर, पूरे बैग के अंदर पानी चला गया, चूड़ी के अंदर पानी चला गया, सब पानी पानी हो गया है। ऑफिस से आए हैं और देख रहे हैं यहाँ तो भाई साहब जलवे बिखर रहे हैं, जलवे नहीं। हम आज मेरे को ऐसा फील हुआ जैसे मैं शादी में लग रही थी, वैसे मेरा शक्ल लग रहा है। वीडियो बना रहे थे, चेहरा ही नहीं खिल रहा है मेरा। सोनाक्षी, आपको पता है कि जब मैं ब्लॉग शूट करती हूँ तो गाना नहीं चलाते हैं, तो ये देखो ये मैंने शादी की साड़ी पहनी है अपनी। ये दिल्ली से ले गए थे हम लोग, ये मैं ली थी अपने गाँव से। ब्लाउज है देखो, लूज हो रहा है। कमर देखो और ये चूड़ा देखो। सदा सौभाग्यवती भव, वाह 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 वाह। काफी सुंदर लग रहा है ना, तो कैसा लग रहा है आपको? हम आते हैं तो पहचान ही नहीं पाएंगे कौन बैठा है भाई, कोई रिश्तेदार आया क्या? और मेरा चेहरा नहीं खिल रहा है पहले की तरह। क्यों? रसमलाई खा लो। नहीं क्यों? अब पता नहीं क्यों खिल रहा है, ये नहीं जानते हम। क्यों नहीं खिल रहा है मालूम नहीं। लिलिया हंस रही, ये तो वो वाला है ना तुम एनिवर्सरी में पहनी थी। एक का निकल गया था कह रही थी, देखे निकला हुआ का? का निकला देखे? है कहाँ निकला है पता नहीं चल रहा है ना। हाँ निकल गया है इसका वो नहीं है। हाँ यार किट्टो, लेकिन ये साड़ी बहुत अच्छे से पहनी हुआ था। हाँ? और क्या तो मारा का बटन तो यही पहने ज्यादा अच्छा लगता। हाँ? इसमें पिन नहीं थसता ना, इसकी वजह से नहीं ले पहनते इसको जल्दी। अच्छा लगता है ये सब साड़ी, मतलब सही बन पाता है। हाँ, इसमें प्लेट अच्छा बनता है लेकिन पिन नहीं थसता, यही बात है इसमें। इसका ब्लाउज नहीं हो रहा था तब ये वाला पहन लिया ब्लाउज। इधर आइयो, किधर आइयो, चेंज कर ले। क्यों? अभी तो ये पहले तुम तो इधर पूरा फैला रखे सामान मेरा क्या। चलो गाइस मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, ठीक है? और ये चूड़ा कर लेना है तो इंस्टाग्राम के पेज को चेक कर लीजिएगा। चूड़ी मजाना देगी कंगन मजाना देगा। क्या कुछ खास बात है क्या? क्या बात है क्या, बड़ी मचल रही हो? अरे नहीं, तुम कब तैयार हुई हो? 6:30 बजे तो तुरंत चेंज कर ले रही हो? 6:30 तैयार हुए हैं, डायरेक्ट चेंज करने। अच्छा वीडियो अच्छा बना हो जाए, लेकिन फोटो पता नहीं अच्छा खींचा है कि नहीं। थोड़ा सा अब इसका तुम फोटो खींचो तो इंस्टाग्राम का।